हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 338 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लेना। लास्ट चैप्टर के एंड में याइमोरी कासुया के साथ फोटो खिंचवा रही थी। अब कासुया फोटोज को देखता है और मन में कहता है, मुझे पता था मैं अलग दिखूंगा, पर मैं बिना डाउट के ये कह सकता हूँ कि याइमोरी सुंदर है। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझे जगह को चेक करने पे फोकस करना चाहिए। मिजुहारा इसकी तरह फोटो खिंचवाने के लिए नहीं बोलेगी, तो मुझे ही उसे लेकर जाना होगा। और याइमोरी कहती है, फर्स्ट फ्लोर पे एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दूसरे फ्लोर भी चेक कर लेते हैं। वो एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं। कासुया सोच रहा था यहाँ कितनी सारी चीजें हैं, ये जगह डेट के लिए परफेक्ट है। तभी एस्केलेटर से उसे याद आता है और वो याइमोरी से पूछता है, लड़कों को आगे होना चाहिए या पीछे। याइमोरी कहती है पीछे, जिससे अगर लड़की गिरे तो लड़का उसे बचा सके। कासुया सोचता है मिजुहारा ऐसी छोटी चीजों को नोटिस कर सकती है। अब वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें थी और साइड में ही गेम कॉर्नर और लॉन्च भी था। कासुया ऊपर देखता है, थर्ड फ्लोर पे तो और भी ज्यादा चीजें थी। तभी उन्हें स्कैनर दिखता है, जिसे स्कैन करके वो वहाँ का पूरा मैप देखते हैं। बाय द वे, ये रियल है, आप भी स्कैन करके वहाँ का पूरा इनसाइड का मैप देख सकते हो। काजुया को ये अमेजिंग लगता है। वो सोचता है मैं इसे मिजुहारा को गाइड करने के लिए यूज करूंगा। और याइमोरी उसे थर्ड फ्लोर पे ले जाती है। काजुया को वहाँ का एरिया सबसे बड़ा लगता है और उसके अकॉर्डिंग सबसे अट्रैक्टिव चीजें वहीं थी। याइमोरी बताती है वहाँ कैफे भी है। काजुया नोट करता है फर्स्ट और थर्ड फ्लोर दोनों पे ही कैफे हैं और उसने ऑलमोस्ट सारी जगह चेक कर ली थी। याइमोरी पूछती है वो कौन सी राइड करना चाहेगा। काजुया कहता है हाफ पाइप या रोलर कोस्टर, और मैं हॉन्टेड हाउस भी जाना चाहता हूँ। वो हॉन्टेड हाउस जाना चाहता था जिससे डेट वाले दिन उसकी पैंट गीली ना हो जाए। याइमोरी कहती है वाइल्ड विंग राइड करते हैं। वो बताती है थर्ड फ्लोर पे वाइल्ड रिवर, वाइल्ड विंग और वाइल्ड जंगल है। यहाँ वाइल्ड की सीरीज है। कहा जाता है अगर आप जॉयपोलिस जाते हो तो यहाँ आपको जाना ही चाहिए, ये मस्ट है। और ये सच भी था क्योंकि वहाँ की लाइन बहुत बड़ी थी और अब उन्हें अपनी बारी के लिए 25 मिनट वेट करना था। कासुया सोचता है ये तो सच में फेमस है और बची हुई दो जगह पे भी शायद ऐसी ही भीड़ होगी। याइमोरी कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ। जब तक वो गई हुई थी कासुया सोच रहा था ये राइड कैसी होगी, क्या डरावनी होगी, अगर मिजुहारा डर गई तो वो मेरा हाथ पकड़ लेगी। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मुझे उसे सपोर्ट करने पे फोकस करना चाहिए। फिर याइमोरी वापस आती है और वो मिजुहारा का एक्ट चालू कर लेती है। कासुया सोचता है मैं क्या करूं, क्या लाइन में वेट करते टाइम कुछ कहना होता है, लड़कियां क्या एक्सपेक्ट करती है। जब तक हमारा नंबर नहीं आता मुझे बात करके उसे एंटरटेन करना होगा। वो कहता है रिसेंटली कुछ हुआ है क्या। वो कहती है नहीं। कासुया सोचता है मैं क्या करूं, मुझे बात करने के अलावा और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर मैं कहूं क्या, और वो हार मान लेता है। याइमोरी कहती है जब भी लड़की वॉशरूम से आती है आपको उसे क्यूट कहना है, क्योंकि जब भी लड़की डेट पे वॉशरूम जाती है वो मेकअप करके आती है, और क्यूट सुनकर उन्हें लगता है उनका एफर्ट करना सही था। कासुया कहता है पर मिजुहारा ने कहा था उसे ये सब पसंद नहीं। याइमोरी कहती है वो बात पुरानी हो चुकी है, अब सब बदल चुका है। अजीब तो तब होगा अगर वो क्यूट सुनकर खुश नहीं हुई। फिर वो कहती है तुम दोनों तो घर से एक साथ ही निकलोगे ना, तो तुम्हें गेट पे ही उसे क्यूट कहना होगा, और बोलने का तरीका भी मैटर करता है। क्यूट कहना जादू मंत्र की तरह है जिससे वो तुम्हारे बारे में ही सोचती रहेगी, और स्टार्टिंग में कहने से ही डिसाइड होगा आगे की मेहनत कितनी रंग लाएगी। कासुया सोचता है मिजुहारा क्यूट तो लगेगी, पर ये कहकर तो मैं खुद ही एम्बैरेस हो जाऊंगा, पर अगर उमी होता तो वो कितनी आसानी से कह देता। तभी याइमोरी कहती है प्रैक्टिस करना है तो मुझे बोल सकते हो। कासुया कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। वो कहती है जिससे डेट पे तुम गड़बड़ ना कर दो। वो कहती है चलो भी अब बोल भी दो। कासुया कहता है तुम बहुत क्लोज आ गई हो, और याइमोरी उसे घूरने लगती है। कासुया एम्बैरेस होता हुआ कहता है तुम क्यूट हो। याइमोरी उसके बालों पे हाथ फेर के कहती है बहुत अच्छे। कासुया पीछे घूमकर कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ, और वो मन में कहता है इसे कहकर ही मैं लाल हो गया हूँ, क्या मैं डेट पे खुद को हैंडल कर पाऊंगा। वो सोचता है ये आज के जमाने का जादुई मंत्र है, जो लड़के आसानी से लड़कियों को क्यूट कह देते हैं वो कूल होते हैं और बाकी के लेम, पर मुझे वो सब करना होगा जिससे मिजुहारा मुझे लाइक करे। और पीछे याइमोरी भी ब्लश कर रही थी। फिर वो सोचती है नहीं नहीं ये ब्लश करने का टाइम नहीं है, और कासुया कहता है हमारा नंबर आ गया है, और वो राइड करने के लिए जाने लगते हैं। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।